अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत होंगे। और सुबह सुबह उठ के ही जो ना मैं ये सारे बाल कटाने और दाढ़ी बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई आप जो ना अपने बाल भी कटा लो। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ और दाढ़ी वगैरह बनाने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं सैलून की शॉप। कि ये काम देखे, अब इसने काम वाम छोड़ के ना, इसका काम वही है छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनार कली, समोसे की गली चली। अब इसने काम वाम छोड़ दिए और जो ना सिर्फ ड्रामे देखे जा रही है और इसके पार्टियां हो रही हैं। पार्टी अच्छा, ये तो मैं खा लूंगा, नहीं ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मैं ले जाऊंगा। हमजा को अच्छी लगती है, ये हमजा के लिए ले जाऊंगा। ये दादा को बहुत अच्छी लगती है, ये उसके लिए ले जाऊंगा। अच्छा, तीन चीजें तो मुझे मिल गई, कुछ भी नहीं मिलेगा। चले जी, अभी मैं घर जा रहा हूँ, फिर जो ना आपको। अच्छा एक बात है, इसके आने से यहाँ पे मुझे फायदा हो गया, मुर्गियों का दाना पानी सब कुछ नैना के जिम्मे कर दिया मैंने, घर की सफाई यहाँ की सब नैना के हवाले कर दिए। आज से मैं अपनी लाइफ इंजॉय। हमजा हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, हमने जो ना हमजा का जो ना व्लॉग शूट कर लिए और अभी जो ना उसका काम खत्म हो गया, तो अभी हम जा रहे हैं। अभी इसका फेस देखे, हमजा फेस दिखाओ, ये देखे ये देखे। चलो सब नीचे चलो, चलो डक। अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं घर, और घर जाके घर नहीं जा रहे बल्कि हम कहीं और जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं। सामान लेकर आज हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं? चिकन शोरमा। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन शोरमा। और आज जो है ना मैंने बाल कटा दिया और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये देखें इतने छोटे बाल। ये इतनी कमेंट्स आई। मैंने सुबह जाके उसको बोला कि भाई जितने काट सकते हो काट दो, फिर उसने भी जो ना पूरा दुख निकाल लिया, ये देखें इतने सारे काट दिए, अभी यही थोड़े से बचाए हैं मेरे पास और मुझे ये बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अब तो काट गए, क्या करें भाई। अभी देखें, मैं बोल रहा था जिस दिन मेरे बाल काट जाते मुझे ये और भी मैं बुरा लगता हूँ। अच्छा लग रहा देखो, अभी हम जाके भी कल बाल कटा दूंगा, ठीक है हमजा। तो अभी हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं दिल्ली कॉलोनी, वहां से हमने गए शावरमा का पूरा सामान, और मैं हूँ मेरे साथ हमजा, और ये हमारी टिकट जा रही है जूम। ये हमारी कही, तो ये है दिल्ली कॉलोनी जहाँ पे जो ना हमने ये चिकन और चिली सॉस वगैरह ले लिया, बाकी सामान हम ले रहे हैं। और ये दिल्ली कॉलोनी बहुत ही बड़ा, यहाँ पे बहुत रश होता है हमेशा, जब भी आप आओगे आपको ऐसे ही रश मिलेगा। और अभी हम जा रहे हैं घर, बाकी सामान हम घर पे जाके लेंगे और जो है ना आपको वहीं पर मिलेंगे। और हमजा भी मेरे साथ में आया हुआ है, हमजा आ जाओ बैठो। और अब जो ना हम यहाँ से मिर्ची और टमाटर और कोकम्बर वगैरह यहाँ से लेंगे। हमजा क्या हुआ, चीज लेकर दूँ? नहीं पैसे नहीं है। अच्छा आगे से लेकर देता हूँ। और यहाँ पे जो ना आपको जो ना चिकन गोश्त वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, शुरू एंट्री में ही आता है दिल्ली कॉलोनी में। यहाँ से हमने जो ना सामान लिया अपना, वो घर चल के आपको दिखाते हैं। हमजा आ जाओ बैठे। कहाँ जा रहे हो? सो गया ये तो सच में। चलो जी, हमारा कक्का तो सो गया। अच्छा तो सामान मैं लेकर आ गया हूँ, और सामान बहुत ज्यादा लेना पड़ गया भाई, ऐसे एक एक करते कभी क्या चीज मैं भूल रहा था। ये हैं मसाले जो कि मैं सऊदीया से लाया था, और इनका मुझे यहाँ पे भी नहीं पता क्या क्या नाम होता है, जो कि इनके अंदर जो ना लाल मिर्ची नहीं होती और बाकी सब चीज़ें होती हैं। तो भाई, और ये गार्लिक है, ये शिमला मिर्च है, ये लीमू है, और इसको जो मैं लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ना इसको लेमून बोला था, तो लोग बोलते लेमून कौन बोलते हैं। तो भाई मैं ये बोलना चाहता कि मैं सऊदीया में रहता था, वहाँ पर हम लोग इसको लेमून बोलते हैं, तो मेरे मुँह में अभी तक वही पका हुआ है, तो वही मैं लेमून बोलता रह गया। और जो है एक मैं ये लेकर आया हूँ ऑरेंज, और ये दो चीज़ें मेन रीज़न होते हैं जो अराबिक में यूज़ की जाती है शोरमा में, और जो ना उनका शोरमे का असल टेस्ट जो अराबिक होता है ना, वो इन दोनों चीज़ों से आता है, ये आप समझ लें। ये नहीं है तो आपका शोरमा अराबिक स्टाइल में नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं हमेशा। और ये मसाले हैं, ये दही है, और मैं और ये चिली सॉस भी है। तो आज जो ना मैं आपको पूरा सब कुछ सिखाऊंगा कि हॉट सॉस कैसे बनता है। ये सिर्फ चिली हॉट सॉस है, लेकिन जो
हॉट सॉस बनाते हैं हम, शोरमे में डालने के लिए चिली सॉस बनाते हैं हम खुद, वो भी आपको सिखाऊंगा और सब कुछ आपको बाद में दिखाता हूँ। अच्छा तो सबसे पहले ये देखें, ये जो है ना मैंने लेमन और लेमन जो है लेमन और ऑरेंज को जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया। लेमन बोलते अरबिक में, लेमन ही बोलते हैं इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ। तुम अपने दांत दिखाओ। तो भाई ये जो है लेमन और जो ना ऑरेंज को जो है मैंने छिलके के समेत डाले, क्योंकि छिलका जो है इनका मेन जो ना टेस्ट लाएगा और उसी से जो ना इसका आपको टेस्ट फील होगा कि यम्मी। और ये देखो, और अब मैं इसके डालने लगा हूँ गार्लिक, क्योंकि ये 1.5 किलो है, 1.5 किलो थोड़ा सा ज़्यादा, तो इतना ही जाएगा बस। 5 किलो में जो ना वो क्या बोलते हैं, कहाँ गया ये जो मतलब एक पूरा होता है, तो 5 किलो में आप एक पूरा डाल दें जितना भी उसमें हो, 10 किलो में दो ऐसे होता है, तो मेरे पास थोड़ा सा 1.5-2 किलो के करीब है, तो मैं इतना ही डालूंगा इसके अंदर। और ये अब मैं इसके डालने लगा हूँ हरी मिर्ची, क्योंकि हमें जो ना स्पाइसी पसंद है, तो इसलिए मैं इसके अंदर हरी मिर्ची डाल। और ये जो है भाई शिमला मिर्च है, ये भी इसमें जाएगी, ये इसके अंदर गई। और अब जो बारी है, ये जो मैं सोरे से मसाला लाया था, ये वही मसाले इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ, ये भी गए इसके अंदर। और अब जो है मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ रेड लाल मिर्ची जो होती है ना वो, क्योंकि इसकी इस इन मसालों में जो ना वो नहीं है, तो मैं इसलिए इसके अंदर जो लाल मिर्ची भी डालने लगा हूँ। अच्छा जी, तो सब चीज़ें जा चुकी हैं इसके अंदर, और मैं नमक भी डाल दिया था और ये दही भी मैंने डाल लिए, तो नमक जितना आपको मतलब समझ आए उतना डाल लें, दही नमक ये सब चीज़ें अभी मैंने इसके डाली, अभी मैं जा रहा हूँ इसको ग्राइंड करने। अच्छा तो सब चीज़ें डाल के मैंने इसके अंदर जो ना अभी थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला ताकि ये ग्राइंड हो जाए, तो अभी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो एक और चीज़, जो व्हाइट विनेगर है वो मैं भूल चुका था, तो सही टाइम पे मुझे फिर भी याद आ गई, तो अभी मैं इसके अंदर व्हाइट विनेगर भी डालूंगा, वो अभी डालता हूँ। अच्छा तो चिकन है और इसको मैंने काट लिया था और धो भी लिया था, और ये देखें ये ऐसे मैंने काटा था, और मैंने पूरी चिकन ली, ये ब्रेस्ट भी है और थाई भी है, तो जो लोग बोलते हैं कि अभी थाई से नहीं बनता, थाई से उससे भी ब्रेस्ट से अच्छा टेस्ट आता है थाई में, तो अब जब भी ले तो पूरी ले, घर के लिए या शॉप पे भी लगानी, तो मैं तो हमेशा थाई जो ना इसका जो ना थाई का टेस्ट इससे बहुत बेहतर आता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में थाई को यूज़ नहीं करते और ब्रेस्ट को यूज़ करते हैं, तो फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ मसाले जो मैंने बनाए थे, और यहाँ पर जो ना मैंने पूरा इसको मसाले लगा दिए, और अभी जो ना मैं इसको छोड़ता हूँ 2-3 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से जो ना इनका टेस्ट आ जाए, तभी मैं इसको फ्रिज में। अच्छा जी, तो अभी जो ना मैं बनाने लगा हूँ चिली सॉस। चिली सॉस के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रीन मिर्ची चाहिए, ये ऑरेंज भी थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा लेमन भी चाहिए, और ये अचार भी चाहिए हमें भाई, अचार इसका अचार भी लाजिम होता है, और ये चिली सॉस है, और गार्लिक इतना तो नहीं है, थोड़ा सा इसमें से जाएगा, तो बाकी मैंने रखा गार्लिक बनने के लिए, इसमें से समझें कि इस छोटी बोतल के लिए जो ना आपको इतना काम आएगा, ये इतना आपको काम आएगा, और लेमन भी इसके हाफ जाएगा, जो लेमन है समझे, लेमन जो है इसके हाफ जाएगा, और ये भी इतना ही जाएगा इस छोटी बोतल के लिए, तो बाकी आप खुद आइडिया लगा लीजिएगा, और ये भी जाएगा इसके अंदर, तो कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये देखें, मैंने सब चीज़ें इसके अंदर पहले से ही डाल दी हैं, और लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, और ये अचार, और ये ग्रीन चिल्ली, देखें मैंने कितनी सारी डाली है, इतनी सारी डाली है, ये इससे जो ना आपका बिल्कुल हॉट एंड स्पाइसी जो सॉस होता है ना वही बनेगा, फुल हॉट बनेगा, तो बाकी क्या करना है दिखाता हूँ एक मिनट। और ये देखें, मैंने पूरी बोतल जो है इसके अंदर पूरी खाली कर दी है, तो ये अभी इतनी आ गई, ये देखें यहाँ तक आ चुकी है, तो बाकी अभी मैं इसको जाके ग्राइंड करता हूँ, अब इसका काम रहेगा ग्राइंड का, और हाँ थोड़ा सा नमक भी इसके अंदर जाएगा, तो अब इसे जो ना हम करते हैं ग्राइंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो एक मिनट ग्राइंड करने के बाद ना 1 से 1.5 मिनट लगे, और ये देखें अब इसका लुक कैसा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा इस तरह से, तो आपने इसको 1 से 1.5 मिनट तक लगातार चलाना है, और एक बार रोक के फिर भी इसको चलाना, ताकि ये सही से जो है सारी मिर्चें वगैरह सही से ग्राइंड हो जाए। और जी ये देखें, हमारा जो ना हॉट सॉस बन के आ चुका है, और ये ऐसे लग रहा है, और ये आपकी सोच से भी ज़्यादा जो ना हॉट है और स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा है, तो इसको आपने जो ना थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं शोरमे के अंदर या किसी चीज़ के अंदर भी, ये इतना अच्छा है कि आप हर चीज़ में जो ना इसको डाल सकते हैं। अच्छा जी, तो इतनी सारी चीज़ें जो ना बना ली हैं, और अभी जो है ना रह गए मायोनीज़, गार्लिक मायोनीज़ जो है वो कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और इसको आपने गौर से देखना है, और जो मशीन है ना उसके आपने जब वॉश कर लें
तो उसके अंदर पानी जो ना इतना सा भी नहीं रहना चाहिए, इतना सा थोड़ा सा एक कतरा भी रहना चाहिए, नहीं तो आपका जो मतलब मायनीज है ना वो बनते टाइम ना टूट जाएगा सारा, बिखर जाएगा और फिर बनेगा भी नहीं। तो इन चीज़ों से आपने बचना है, उसके अंदर पानी जो ना बिल्कुल नहीं जाने देना है। और फिर अभी मैं जा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है। अच्छा जी, तो जो गार्लिक मायनीज है वो ऐसे ही बनेगा। ये देखें, तीन एग लिए हुए मैंने, ये गार्लिक है मैंने इसको छील लिया, एक से डेढ़ होगा शायद। और ये मशीन देखें मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। और अभी भी जो ना क्या बोलते हैं, एक मसला है, मुझे ये नहीं पता कि इस जो ये जो मशीन है इसकी पावर कितनी है, पावर इसके लिए ज़्यादा चाहिए। तो मैं अभी पहले जो दो एग से बनाता हूँ, फिर दो अगर ये मतलब पावर अच्छी तो फिर तीसरा एग भी डाल दूँगा, नहीं तो मैं शुरुआत जो ना दो एग से करता हूँ क्योंकि दो एग से तो बना ही लेंगे। तो इसके लिए आपको हमें क्या चाहिए, गार्लिक एग और एक मिनट ग्रीन चिली, तो मैं भूल गया हूँ। अच्छा, तो ग्रीन चिली भी आ गई, ब्लैक पेपर भी आ गया। आपको अगर बिल्कुल सिंपल चाहिए ना तो सिर्फ आप इन इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करें, इनका और ऑयल का, और कोई भी चीज़ नहीं डालें और नमक डालें बस। तो इनका तो बिल्कुल ज़बरदस्त आता है, लेकिन हमें जो ना भाई ने साहब ने बोला कि स्पाइसी चाहिए, तो इसलिए जो ना मैं इनके अंदर मिर्ची भी डाल रहा हूँ और ये काली मिर्ची भी डाल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको सिंपल चाहिए ना और जो ना सबको जो अच्छा लगेगा, तो मेरे ख्याल से यही है, अंडे और थूम, इनसे जो ना बिल्कुल जो ना बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो मैं अपने हिसाब से अभी बता रहा हूँ कि जो घर वालों की डिमांड है मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ क्या करना है। अच्छा ये तो ये देखें, मैंने जो ना गार्लिक, हरी मिर्ची, काली मिर्ची और अंडे जो ना सबको एक साथ, अंडों को तोड़ के इसके अंदर डाल दिया मैंने। और अभी आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा तो ये देखें, मैंने इसको ना इसके ऊपर रख दिया है। और सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक मिनट के लिए ना ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ये अभी तक ना ग्राइंड हो रही है, इसको अभी तकरीबन 30 सेकंड हुए, तो मैं इसको तकरीबन 40-45 सेकंड चलाऊंगा। जैसे इसको जो ना अभी 30-40 सेकंड हो चुके हैं और अभी जो ना मैं इसको जो ना इसके अंदर डालने जाऊँ। अच्छा तो मैं मायनीज बना रहा था, तो ये नैना आ गई, इसने जो ना 3-4 बेलें दी भी, मैंने जो ना इसको रोक दिया यहाँ पे, इसको रोकते नहीं है और इसकी वजह से मैंने रोक दिया, क्योंकि ये बेल पे बेल मारी जा रही थी। अभी पता नहीं ये बनता है नहीं बनता है, इंशाल्लाह बनेगा, लेकिन इसको रोकते नहीं चलते टाइम। तो यहाँ पर जो ना मैं सैलेड काटने लगा हूँ, और ये जो है ना क्या बोलते हैं, कोकम्बर और टमाटर। और ये देखें, आपके भाई ने सैलेड भी काट लिए, सारे काम अभी मैं अकेला ही कर रहा हूँ आज। पूरा शारमा का जो जितना भी काम था टोटल मैं ही अकेला कर रहा हूँ, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, नैना को भी बोल रहा हूँ तो वो बोल रही है, मैं खुद बिजी हूँ। अच्छा जी, तो अभी मैं जा रहा हूँ मामू को लेने, फिर हम हमारे घर जा रहे हैं। वहाँ पर आज जो ना फादिया की जो ना बर्थडे भी है, और बैड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर जो ना गैस नहीं आ रहा, तो गैस नहीं आ रहा तो मैं चिकन फ्राई कैसे करूँगा। तो इसलिए अभी मैं ये सारा सामान उठा कर जो ना हम लोग जाएंगे घर। अभी मैं पहले जा रहा हूँ मामू के पास, मामू को लेके आऊँगा, फिर हम यहाँ सामान पिक करेंगे। अच्छा तो घर में आ गया हूँ, अभी मैं काटने लगा हूँ चिकन अभी काट के मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा तो यहाँ पर जो ना ये तैयार हो चुका है, और जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसको निकाल कर। एक मिनट फादर रुक जाओ, तो जनाब ये देखें हमारी मायनीज भी बन के आ चुकी है, और ये देखें इस तरह से बनी है और बहुत ही अच्छी बनी है। और ये हमारा हॉट सॉस है, ये मायनीज है। अभी जो फाइनल काम है वो है अभी चिकन का, चिकन को अभी थोड़ा टाइम रहते हैं तो उसको अभी बाद में बनाऊंगा मैं। तो अच्छा जी, तो चिकन को मैंने यहाँ पे काट लिया सीजलिंग करके, ये देखें इस तरीके से, ये इतने इतने मैंने काटा है, अभी मैं इसको करूँगा फ्राई। अच्छा जी, तो ये पैन है, और इसके अंदर जो है मैं अभी डालने लगा हूँ घी, डालने लगा हूँ ताकि इसके अंदर जो है मैं चिकन को फ्राई करूँ। ये तो चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और अभी जो है मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ। और जैसे ये फ्राई होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है, इसका आगे क्या करना है वो मैं सब आपको जो है बाद में दिखाता हूँ। अच्छा तो चिकन मैंने जो है यहाँ पर सारा जो है ना फ्राई कर लिया जितना भी था। और एक चीज़ हम भूल गए थे, वो थी फ्राइज, चिप्स को जो है अभी हम बना रहे हैं, फिर वो जब तक रेडी होते हैं फिर जो है एक ही साथ तक आपको मुकम्मल दिखाएंगे मुकम्मल कैसे बनते हैं। तो अभी फ्राइज बन जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा तो ये चिकन है, ये फ्राइज है, ये मायनीज है,
ये हॉट सॉस है। और यहाँ पर जो ना एक गलती होगी, मैंने शाहरुख को बोला कि जाकर चपाती लेकर आओ, वो पीटा ब्रेड मुझे लगता है चपाती, मैंने उस वो गया ये वाली चपाती लेके आया, मतलब ये पतली वाली होटल की रोटी थी ना वो, ये लेके आ गया। और ये मैं अभी देख रहा हूँ, तो आप जब भी बनाए तोरतेला बना ले घर पे, तोरतेला का भी मैं आपको बता दूंगा बाद में, या पीटा ब्रेड, मुझे पीटा ब्रेड अच्छे लगते हैं, मैंने उसको बोला चपाती ले तो वो ये ले आए, तो अभी इसी से गुजारा करता हूँ, इसी से दिखाता हूँ। अच्छा जी, तभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले जो है हम लोग इसमें डालेंगे मायनीज, मायनीज हमने डाल लिया, अभी जो है हम इसको इसके ऊपर फैला देंगे, और थोड़ा समझ लेते हैं और कम डे थोड़ा और डाल देता हूँ मैं इसके ऊपर। तो जी ये मैंने डाल लिया, अभी इसके बाद जो है क्या करना है कि ये फ्राइज हैं, फ्राइज मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ, इतने फ्राइज डालने के बाद अभी जो है इसके ऊपर जाएगा चिकन। अच्छा जी, तो अभी मैं चिकन डालने लगा हूँ इसके ऊपर, ये देखें ऐसे, क्योंकि ये घर पर फ्राई हुआ हुआ चिकन है तो ये ऐसे ही होगा, वो शोरमे का दूसरा तो वो दूसरे टाइप पे का होते हैं। और ये देखें जी, एक मिनट हमजा। अच्छा, ये चिकन मैंने इसके ऊपर डाल दिया, अभी मैं डालूंगा इसके ऊपर सैलेड। और ये देखें कुकम्बर मैंने इसके ऊपर डाल दिए ये, और ये चीज़ें होने के बाद अभी मैं इसके ऊपर जो ना इससे मेरा हाथ रुक रहा था, मैं टमाटर हाथ से ही डालूंगा, और ये टमाटर हो गया इसके ऊपर। तो अभी डालेंगे इसके ऊपर हम चिली सॉस, और ये हॉट ज़्यादा है हमें ज़्यादा पसंद, हम ज़्यादा इसके ऊपर डाल रहे हैं, तो ये डाल गया। अभी जो ना थोड़ा सा मैं इसके ऊपर केचप डाल देता हूँ जी, और ये केचप भी डाल चुके हैं इसके ऊपर। तो अभी इसका जो ना बस एक ही काम करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा और मायनीज भी डालता हूँ मैं, ये डाल गया। और इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, ये ऐसे, और ये आपका फोल्ड हो गया। और ये देखें एक मैंने और भी तैयार कर लिए, तो थोड़ा मसला हो रहा है दिखाने में, क्योंकि मुझे जो ना पहली बार ऐसे ना कैमरे के जो पर, जो अभी मैंने पहले वाइफ को बोला वो उसको सही समझ नहीं आ रही थी, अभी मैं अकेला बंदा भी सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो ऐसे कुछ दिख रहा है, तो आपको उम्मीद है कि दिखने में अच्छा ही लग रहा होगा। अच्छा जी, तो आज जो ना फादिया के जो ना बर्थडे, और ये हमजा है, और ये इनकी पार्टी हो रही है माशाल्लाह से, मुन्नी छोटी मुन्नी, और ये अम्मी आई हुई है। अम्मी कैसे हैं आप, सबको बोल दें कैसे हैं आप। और ये देख ठीक है, और ये देखें छोटी मुन्नी हमारी, और ये भी सो रही है, और इस तरफ जो ना सारी पार्टी हो रही है बच्चों की, और ये फादर की पार्टी है माशाल्लाह से, और बच्चों के काम देखें, बच्चे जो ऐसे कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं रुक जाओ, चलो भाई चलो, अभी जो है स्टार्ट करने लगे हैं ये, और ये कौन फोड़ेगा, आप फोड़ोगे भाई, डैडी हो आप इसके। नहीं नहीं, चलो नैना को दे दो, नैना को दे दो, नैना को देखें, नमूना ये दुनिया का अजीब नमूना आया है भाई। तो बर्थडे किसकी है, तो उसको सामने बिठाओ ना। अच्छा, अभी तो हम गरीब लोग जो ना इसी बेड के ऊपर ही अपना बर्थडे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अच्छी जगह नहीं थी इधर बिठाने के लिए, तो आप ऐसे गुजारा करिएगा। डैम अभी मामू देखना, मामू अभी देखना, और ये देखें भाई ये हाल हुआ इनका, ये मैंने इनका डीडी भाई का हाल किया है, और ये अम्मी और छोटी मुन्नी जो डरी हुई है, और ये मामू है, और ये शाहरुख भी कह रहे पाँच या के काम करते, और ये बच्चे यहाँ पे जो ना क्या बोलते हैं केक खा रहे हैं, और बाकी डीडी भाई वहाँ पे काटे जा रहे हैं, तो जैसे इसका मसला हल होता है फिर हम खाएंगे। अच्छा जी, तो ये अभी हमारा केक है, ये मामू नदीम और सिर्फ मेरा हिस्सा है, और ये सिर्फ हम दोनों खाएंगे। मामू कैसे,
यहाँ तो कहता हूँ कि हमने हाँ मामू आपको इसमें से नहीं पकड़ना चाहिए। नहीं ये पूरा हमारा है ना भाई, नहीं बस हम कर लेंगे, छोड़ दो आप, छोड़ दो हम कर लेंगे, इतनी तकल्लुफ नहीं करें आप। तकल्लुफ नहीं और नैना का ओवर मेकअप देख लें आप सब, नैना तो खा ले। क्या क्या हमजा, नैना ने पटा कर दिए? आपने कर दिए? और ये मामू बैठे हुए हैं और मैं कब से मेहनत कर रहा हूँ, नैना ये यहाँ पे देखे आराम से सो के ना, बच्ची के भी नींद खराब कर रही है। और ये देखे मामू, हेलो एवरीवन। मामू जो ना इंग्लिश भी बोल लेते हैं, आपको पता है मामू? ये मामू जो ना हमने अमेरिका से डिपोर्ट किया था। और हेलो गाइस, कहाँ से? लॉस एंजेल्स से। हेलो गाइस, हेलो गाइस, डीडी भाई ने खर्चा किया है ये देखें। हेलो गाइस, छोड़ो हमारी बेटी को, छोड़ो चलो इनको देखो ये कहीं से बैठे हुए। अच्छा जी, तो मैंने शोरमा सबको मैंने खिला दिया। और ये हाँ भाई कैसा था, मिर्ची कैसी थी? अच्छी थी, फुल स्पाइसी था। मामू कैसा लगा शोरमा, अच्छा था या बस गुजार लगता? ये तो मैं खैर दूसरा खा रहा है, तीसरा ये कभी भी यहाँ पे पड़के थे। कौन सा खा रहे हो, तीसरा दूसरा? ये दूसरा खा रहा है, ये अली खा रहा है और ये नैना खा रही है, ये भी खा रहा है, इसमें लड़का ही है। नैना कैसा था आज का शोरमा? इसका माया बहुत ज्यादा मजेदार बना हुआ था, वैसे तो अच्छा है, वैसे तो अच्छा है, बस माया बहुत अच्छा था। तो भाई शोरमा का जो ना सीन अभी यहाँ पे खत्म हुआ और हमजा ने आज मेरा नुकसान किया है। हमजा क्या किया आपने? मैंने मम्मी का मोबाइल, ये अभी हमने इससे पूछा मोबाइल का, तो ये बोले मोबाइल तो मैं भूल, मैंने बोला कहाँ, तो बोले वॉशरूम पे, वहाँ पे मोबाइल को जा लेके गया था, वहाँ पे धो रहा था उसको, सारा मोबाइल खराब कर दिया। अभी मैंने उसको रख दिया, अल्लाह करे सुबह चल जाए। हमजा अगर सुबह नहीं चला तो फिर चल जाएगा, चल जाएगा। चलो फिर दुआ करो कि क्यों खराब किया मेरा मोबाइल, मोबाइल क्यों खराब किया? किसका? जो पानी से हाथ धो दिया था वो तुम्हारा नहीं किया, मम्मा के है। मम्मा का है, लेकिन किसने बोला था कि उसको जाके वॉश करो मोबाइल को? डीडी भाई ने बोला दीदी भाई झूठ बोला, वो तो बोला, झूठ बोल रहे नहीं। हाँ अभी बोल रहा था बर्थडे मम्मा का मोबाइल। हाँ क्या बोल रहा था, मम्मा का मोबाइल को क्या बर्थडे? वो मम्मा का मोबाइल बोल कर क्या? आज तो मैं इससे पूछता हूँ, ठीक है? क्या बोल रहे चलो चलो ठीक है, ठीक है भाई। चलो जी आज की वीडियो बस हम यहीं पे एंड करते हैं और आप सब अपना ख्याल रखेगा। अगर हाँ तो तुम हाँ। वो मुझे भी बोला था, कैसे बोलते हो? अल्लाह हाफिज भी मैं बोलता हूँ, चलें जी अल्लाह हाफिज। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो उसके लिए भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा।